हमारा रिश्ता भी कोई कोई गलत फहमी नहीं रही, कोई तकलीफ नहीं। भगवान से जो कुछ भी मांगा ना भगवान ने मुझे दे दिया, मेरी सारी खुशियां वापस कर दी। और आपने जो कुछ भी मांगा था ना सब कुछ आपको दूंगी, आपकी आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, सारे ओकेजन हम साथ में सेलिब्रेट करें। और फैमिली प्लानिंग कर रहे थे ना, आपको एक बेटी चाहिए बिल्कुल मेरे जैसे, बस मेरी तरह पक पक ना करे। उसका नाम हम अभी क्या रखेंगे, अभी क्या? और मुझे एक बेटा चाहिए बिल्कुल आपके जैसे, थोड़ा शैतान थोड़ा प्यारा, जिसकी नाक पर गुस्सा हो लेकिन फिर आपकी तरह एकदम कोमल। कैसी लगी आपको मेरी प्लानिंग? ये सारे सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है ना, तो बस अब आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, फिर हम घर वापस जाएंगे, अपना परिवार बनाएंगे, और फिर आपको अपना काम भी तो शुरू करना है ना, अच्छे अच्छे गाने बनाने हैं, सुपर हिट कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना है। याद है कैसे होली में आपने सबके सामने रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना, रब्बा मेरे प्यार को नजर लग जावे ना, मंगिया दुआवा लखा दुख हुन सतावे ना, तैनू दिल दा हाल सुनावा नी मैं लख लख शुक्र मनावा, पावे कमली नाम धरावा पर इको ही रटन लगावा। एक बार जब मैंने आपसे पानी मांगा था और आपने पानी देने से मना कर दिया था, फिर दूसरे दिन मैंने भी आपको कॉफी नहीं दी थी जानबूझ, इतना झगड़ा हुआ था ना उस दिन, मैं फिर सॉरी भी बोला ना हमने एक दूसरे को, आपको याद है कि नहीं? उस दिन हमने खाना भी साथ में खाया था। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो दिल की ही सुनते हैं। प्यार को नजर लग जावे ना, मंगिया दुआवा लखा दुख हुन सतावे ना। मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे जब भी फुकी मिल गई। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा पति बनकर रह सकता हूँ? I will be because I love you. खुशी में रखने वाला हूँ। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फुगी से कितना प्यार करता हूँ। पर कोई रटन लगाऊं, मेरी जान है, तू मेरा अरमान है, तू मेरी जान है, तू
सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली को बुलाओ। आप मेरी फैमिली को बुला क्यों नहीं रहे? अरे वो लोग बाहर परेशान होंगे, तकलीफ में होंगे, तो पता नहीं मैं अंदर कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। प्लीज गो कॉल माई फैमिली, व्हाट आर यू लुकिंग एट मी फॉर? लेकिन सर मैंने तो आपकी फैमिली ही। आपको सुनाई नहीं देता है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ऐसे कॉल माई फैमिली, गो। मैम आप तो यहीं पे खड़ी हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं मेरी फैमिली को बुलाइए। आपको देखा नहीं क्या? देखा उन्होंने, मैंने स्माइल भी किया, फिर वो। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पहचान नहीं रहे हैं क्या? वो मुझे पहचान नहीं रहे। मैं थी वहां पे सामने खड़ी, लेकिन वो नर्स को बोल रहे थे कि उनकी फैमिली को बुलाए। वो मुझे देखकर अनदेखा कर रहे थे, कह रहे थे फैमिली कहाँ है, फैमिली को बुलाओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से होश ना आया हो, पर मैं अभी चेक करता हूँ। कम डॉक्टर। प्रज्ञा बेटा, क्या हुआ? तू इतने डरे डरे क्यों है? अभी ठीक तो है ना? वो मुझे पहचान ही नहीं रहे। मेरी फैमिली खुद क्यों नहीं हारी? पता नहीं बाहर कौन आया है कौन नहीं, और उठ भी तो नहीं पा रहा हूं ना। ऊपर से लोग भाई, मैं वो। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना पढ़ाई के लिए, यहाँ का भाई? एक्चुअली मैं आज ही आई। आपका मतलब अभी अपनी पत्नी को पहचान नहीं रहा तो हम उसे ना बताएं कि ये उसकी पत्नी है? ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी ने उसकी जान बचाई है, हम उसकी पत्नी को ही उसके पास ना लेके जाएं? अरे पत्नी तो होती ही बुरे वक्त में साथ देने के लिए। अगर वो ही उसके साथ ना रही तो। माता जी, ऐसा होता है कि कभी कभी हम अपने करीबी को याद रखते हैं और पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हमें याद रखती है और हम अपने करीबी को भूल जाते हैं। ये ना आपके हाथ में है ना भूलने वाले के, वरना कोई कैसे यकीन करता कि जिसने आपके पोते की जान बचाई वो उसे ही भूल गया? आपने कहा कि ये बीमारी है तो इसका इलाज भी तो होगा ना? सॉरी टू से, पर मेडिकल साइंस में अभी तक ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है जिससे किसी की मेमोरी वापस आ सके, और ना ही ऐसा कोई टेस्ट है जिससे पता चल सके कि मेमोरी कब वापस आएगी। बाहर देशों में इस पर स्टडी चल रही है, पर अभी तक कोई परमानेंट सलूशन निकला नहीं है। तो आप यही कह सकते हैं कि इसका इलाज सिर्फ टाइम के हाथ में है। उन्हें ठीक होना होगा तो वो अपने आप ही हो जाएंगे, वरना वो लाइफ के जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं उन्हें वहीं से अपनी जिंदगी दोबारा स्टार्ट करनी है। बहुत खुशी हो रही है ना तुम दोनों को? तुम दोनों ने उनके साथ क्या किया उन्हें याद ही नहीं, लेकिन याद रखना, आज जो उन्हें याद नहीं कल याद आ ही जाएगा। और जो तकलीफ तुम दोनों ने उन्हें दी है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम दोनों को मिलेगी उसके बदले में। इसलिए आज की खुशी के साथ साथ आने वाले दुख की भी तैयारी कर लो।